खेलों के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा का साल 2021 बेहद खास रहा। इस साल टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं पैरा ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने खूब कमाल किया है। पानीपत के सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाकर पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। कोरोना काल को झेलने के बावजूद साल 2021 में देश और दुनिया के तमाम स्पोर्ट्स इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा की। इस साल टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जैवलिन थ्रो में 87.58 मीटर तक भाला फेंक कर इतिहास रच दिया। सबसे खास बात तो ये है कि भारत का ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में ये पहला गोल्ड मेडल है। वही हरियाणा के पहलवान रवि धैया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। रवि धैया जिला सोनीपत के नाहरी गांव के रहने वाले हैं। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रवि ने 7 साल की उम्र में ही अखाड़े में कदम रख दिया था। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद अगर बात की जाए तो नाम आता है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। बजरंग पुनिया भी हरियाणा के सोनीपत जिले से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि बजरंग पुनिया ओलंपिक खेलों से पहले अपने घुटने की चोट से परेशान थे, इस वजह से वो गोल्ड मेडल तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। वहीं हरियाणा के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने भी देश का नाम रोशन किया है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। खास बात ये रही कि सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ ये स्वर्ण पदक जीता है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद सिंगराज अदाना ने टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक जीता है। वहीं हरियाणा के पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। कुल मिलाकर 2021 हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। पूरे देश को अपने छोरों पर नाज है। वो ऐसे ही आगे भी खेलते रहे और देश की झोली में मेडल लाते रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।